बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हेल्थ स्पैन में खुश आमदीद। आज का हमारा टॉपिक है कि किसी नंबर का हमने सुपर फैक्टोरियल और हाइपर फैक्टोरियल किस तरह से कैलकुलेट करना है। तो आज की हमारी डिस्कशन फैक्टोरियल, सुपर फैक्टोरियल और हाइपर फैक्टोरियल से रिलेटेड होगी। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फैक्टोरियल की डेफिनेशन से। जो हम फैक्टोरियल उसको रिप्रेजेंट करते हैं, किसी भी नंबर n उसके फैक्टोरियल को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, और वो इक्वल आता है, हमने पढ़ा हुआ है कि n से पीछे जितने भी नंबर्स हैं n, और इससे पीछे जितने भी नंबर्स हैं 1 तक, ये उन सब का प्रोडक्ट आता है। तो रिकॉल दैट द फैक्टोरियल n फैक्टोरियल इज़ द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। इसको हम यूँ भी कह सकते हैं कि ये प्रोडक्ट है किन का, पहले n नेचुरल नंबर्स का, और इसको हम इस तरह से लिखते हैं। ये जो सिंबल है हमारे पास, ये सिंबल रिप्रेजेंट करता है प्रोडक्ट को, किन का प्रोडक्ट, के यानी नंबर्स का प्रोडक्ट, और वो नंबर कहाँ से कहाँ तक हैं, 1 से लेकर n तक। n हमारा जो भी गिवन होगा, अगर n 10 होगा तो 1 से 10 तक का प्रोडक्ट आ जाएगा, n 20 होगा तो 1 से 20 तक का प्रोडक्ट आ जाएगा। तो ये तो थी हमारे पास फैक्टोरियल की डेफिनेशन। नेक्स्ट है हमारे पास सुपर फैक्टोरियल और हाइपर फैक्टोरियल की डेफिनेशन। सुपर फैक्टोरियल, वी डिनोट द सुपर फैक्टोरियल ऑफ n एज n, और आगे हमारे पास जो साइन आता है वो डॉलर का साइन आता है। यानी अगर हमने 10 का सुपर फैक्टोरियल कैलकुलेट करना, तो 10 के आगे हम ये वाला साइन यूज़ कर लेंगे, तो ये सुपर फैक्टोरियल को डिनोट करेगा। सुपर फैक्टोरियल ऑफ n, उसको राइट करते हैं इस तरह से, इज़ डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n फैक्टोरियल्स, यानी पहले n फैक्टोरियल का अगर हम प्रोडक्ट ले लें तो उसको हम बोलते हैं सुपर फैक्टोरियल। सुपर फैक्टोरियल ऑफ n इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ k फैक्टोरियल। जो सिंपल हमारे पास फैक्टोरियल था, n फैक्टोरियल था, वो क्या था, प्रोडक्ट था नंबर्स का, और वो नंबर्स 1 से स्टार्ट होंगे और n तक चले जाएंगे। अब सुपर फैक्टोरियल क्या है, प्रोडक्ट है फैक्टोरियल्स का 1 से लेकर n तक। जैसे कि 10 का अगर सुपर फैक्टोरियल कैलकुलेट करना, तो वो प्रोडक्ट आ जाएगा 1 के फैक्टोरियल का, 2 के फैक्टोरियल का, अप टू सो ऑन, चलते चलते लास्ट पे हमारे पास 10 का फैक्टोरियल आ जाए। तो इस तरह से हम इसको डिफाइन करेंगे। और अगर हमने 6 का सुपर फैक्टोरियल कैलकुलेट करना, तो वो क्या आ जाएगा, 1 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 2 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 3 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 4 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 6 फैक्टोरियल। यानी 1 से चलाएंगे और अपने नंबर तक, जितने भी नंबर्स हमारे पास हैं, 6 है तो 6 तक, उनके फैक्टोरियल का प्रोडक्ट। और फैक्टोरियल हमें पता है किस तरह से कैलकुलेट करता है, अगर हमने 6 का फैक्टोरियल कैलकुलेट करना, तो वो क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट आ जाएगा 6 से लेकर 1 तक तमाम नेचुरल नंबर्स का। तो इस तरह से हम सुपर फैक्टोरियल कैलकुलेट करते हैं। अब हम हाइपर फैक्टोरियल की डेफिनेशन पे आ जाते हैं। द हाइपर फैक्टोरियल ऑफ n इज डिनोटेड बाय h ऑफ n एंड इज डिफाइंड एज, h ऑफ n से इसको रिप्रेजेंट करेंगे और डिफाइन इस तरह से करेंगे, h ऑफ n इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ k रेज टू द पावर k, और k कहाँ से है, 1 से लेकर n तक। यानी 1 से लेकर n तक, n हमारा अगर 10 है, तो 1 से लेकर 10 तक जितने भी नंबर्स आएंगे, उनको क्या करना है, उन नंबर्स की पावर को वही नंबर ले लेना है, यानी प्रोडक्ट आएगा। जिस तरह अगर हम 10 का हाइपर फैक्टोरियल कैलकुलेट करें, तो वो किसके इक्वल आएगा, 1 से लेकर 10 तक जितने भी नंबर हैं उनकी हम पावर्स ले लेंगे, यानी नंबर की पावर वही नंबर ले लेंगे, और फिर उन सब का प्रोडक्ट ले लेंगे। तो इस तरह से हम हाइपर फैक्टोरियल को डिफाइन करते हैं। इसी तरह अगर हमने 3 का हाइपर फैक्टोरियल कैलकुलेट करना, यानी h ऑफ 3 कैलकुलेट करना, तो क्या आएगा, 1 से लेकर 3 तक जितने नंबर्स हैं, उन नंबर्स की पावर को वही नंबर ले लेने, 1 की पावर 1, 2 की पावर 2, 3 की पावर 3, और इन सब का जो प्रोडक्ट आएगा वो हमारा आंसर आएगा। तो इस तरह से हम हाइपर फैक्टोरियल को कैलकुलेट करते हैं।